दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पिछले साल से विपक्षी पार्टियों का सबसे अहम मुद्दा कृषि कानून एक झटके में खत्म हो गया, लेकिन जानकारों की माने तो विपक्षी पार्टियां आसानी से इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देंगी, क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी में विजय पताका लहराता है तो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन का 29% वोट एक तरफा लाना होगा। इसलिए विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी से कथित तौर पर नाराज चल रहे अपने भी नेता कमजोर कड़ी ढूंढ रहे हैं, और बीजेपी के लिए अभी सबसे कमजोर कड़ी लखीमपुर खीरी कांड है, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी। इस कांड का मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है। अब विपक्षी पार्टियों ने अजय मिश्र टेनी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे सबके सब मंत्री के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अजय मिश्र टेनी के रहते हुए जांच जो है वो निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगी। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और उनसे टेनी के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा, लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाली बात ये रही कि खुद बीजेपी के कद्दावर नेता वरुण गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज दी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, आपने बड़ा दिल दिखाते हुए इन कानूनों को निरस्त करने की जो घोषणा की है उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। पिछले एक साल में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में धरना देते हुए इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। मेरा मानना है कि यह निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। आपसे विनम्र निवेदन है कि आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। यानी मामला साफ है कि भले ही तीनों कृषि कानून खत्म हो गए हों, लेकिन आसानी से विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।